चलो गुड मॉर्निंग, मैं नीचे चलता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे उठे कि नहीं उठे। अभी सो रखे हैं, देख के आता हूँ उनको। गर्मी बहुत हो रही है, सुबह रात के टाइम में बारिश हुई थी और फिर भी उसके बाद भी काफ़ी गर्मी हो रही है। देख के आता हूँ कि अभी उठे कि नहीं उठे, क्योंकि लग रहा है कि अभी भी सो रखे हैं। देखते हैं अंदर। फैन हमारा सुबह सुबह चल रहा है, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है और बच्चे सो रखे हैं अभी, तो उनको सोने देते हैं। हम बाहर चलते हैं, अभी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। मौसम सुबह धूप आ गई है, पक्षी चलो हमारी मक्का देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी हो गई मक्का, काफ़ी बड़ी हो गई मक्का, पर अभी इसमें मक्का लगी नहीं, इनमें इतनी बड़ी हो गई कि मक्का भी लगी नहीं। वो इसमें देखो, वो आगे इसमें देख रहे हैं आप, ऊपर से तो निकल गए हैं पर मक्का पता नहीं कब लगी। काफ़ी झाड़ टाइप हो गया है, बहुत ज़्यादा झाड़ हो गई है। ये देखो अरबी के पत्ते बड़े हो गए, देख लो। दो लेकर चलता हूँ फटाफट, और हमारे दूध वाले भाई साहब नमस्कार, भाई जी को प्रणाम। और कैसे हो? बढ़िया। आज बढ़िया भाई जी। और ठीक है, यही गाय का दूध। गाय का दूध है ये, शुद्ध गाय का दूध। नहीं भाई साहब का डेली का रोज़ का रोज़मर्रा का काम है, डेली डेली घर घरों में दूध देना है। चलो ठीक है, ओके। चलो हमारा दूध आ गया, गेट बंद। ठीक है, मैं दूध लेके चलता हूँ सीधे अंदर किचन में। अब मेरी चाय पीते हैं। चाय तो वैसे कम ही पीता हूँ, पर इच्छा हो रही है तो चाय पी लेते हैं। मैं चाय मैंने पी ली है। मैं झाड़ू, ये झाड़ू है, इससे मैं ज़रा घर के अंदर जो ऊपर पर जालू लगे हैं वो साफ़ करता हूँ, थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, तो करते हैं अंदर सफाई पाई। ये पानी बचा हुआ था, इसमें इसको डालता हूँ मैं बाहर इधर पौधों में। ये अंदर किचन से लाया था, ये बचा हुआ था थोड़ा, इनको ये अपने अपने पौधों में जो गमले लगा रखे हैं इनमें डाल देता हूँ। ये वाला दूसरा गमला है, और ये देखो ठीक। अब बाकी इधर बाकी इसमें डाल देता हूँ, ये जो दूसरा है ये वाले फूल में सब, इसको अंदर इसको भरता हूँ क्योंकि पानी आ गया है, आने वाला है पानी, तो इसको अब अंदर चलता है। टाइम हो गया, अब नहाने जा रहा हूँ बाथरूम। अब मैं नहाता हूँ, ठीक है। ये पहले हटा के ये बाल्टी लगा देते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, और इसको भरते हैं। तो चलो नहाने के बाद आपको मिलते हैं सीधे नाश्ते में, ठीक है। चलो अब नाश्ता तैयार, और ये नाश्ता अब मैं करता हूँ सीधे अपना नाश्ता, ठीक। बैठ के नाश्ता करता है, और नाश्ते में आज है चिचिंडे की सब्जी, रोटी, और ये है लस्सी। तो अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयार होके
ड्यूटी चलते हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं नाश्ते की, ठीक है? चलो ओके, फिर मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। मैं ड्यूटी जाने की तैयारी, गेट खोलता हूँ और ये चाबी लगाई मैंने बाइक पे। अब स्टार्ट करता हूँ इसको, पहले चौंक देनी पड़ेगी यार, तभी जाके स्टार्ट होगी। हो गई स्टार्ट, हो गई। चलो चलो, हाय वासु, गाड़ी चलाओ भाई। चलो भाई पानी डालता हूँ। तो चलो अब निकलते हैं हम, से आ जा रहा हूँ मैं सीधे लंच डाउन। तो चलो अब चलते हैं, टाइम हो गया है ड्यूटी का। ओके चलो बाय 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 वासु बाय। तो चलो चलते हैं। होगी सफाई। नमस्कार 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 नमस्कार। लो ये सामान दे रखा, सुन मेरी वीडियो में रोना, सामान दे रखा है, सुन कपड़े होंगे ना। चलो यहाँ पे मैंने सामान दे दिया है दीदी को, क्योंकि तो तुमने तो सामान दे रखे थे, तो मैं करते हैं। तो यहाँ से चलिए निकलते हैं पहाड़ की ओर। तो चले और यहाँ पे श्री सिद्धवली मंदिर जो पीछे का हिस्सा है, अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ जस्ट, क्योंकि आज मंगलवार भी है और आज अंदर काफ़ी भीड़ भी हो रही है। तो ये पीछे का हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं सिद्धवली मंदिर का। अब हम यहाँ से सीधे निकलते हैं, इधर आगे दुगड्डा फिर लंच डाउन। तो चलो चलते हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये हाथी की लीव यहाँ पे, इसका मतलब हाथी भी इधर ही है कहीं पे, और हमारे एक बाबा जी कहीं दूर से आते हुए। और सड़क के दोनों तरफ देखिए आप कितनी हरियाली हो रखी है, जंगल सा हो रखा है। और ये दुर्गा देवी माता का मंदिर है। तो जस्ट अभी मैं दुर्गा देवी माता के मंदिर में पहुंच चुका हूं, और ये यहां पे पर्यटकों की भीड़ देख रहे हैं आप, तो ऐसे ही पर्यटक लोग आते रहते हैं यहां पे। बस आई रोडवेज की, और यहाँ पे एक ख़तरनाक बैंड है, मैंने जगह भी उसमें बहुत कम है, मैं आज बाल बाल बचा दोस्तों, नहीं तो आज काम लगभग लगभग ऐसा था कि पक्का आज गाड़ी ठुकती और मैं भी गिरता। यूँ सामने से बस आ रही थी, मैंने भी हॉर्न बजाया था, बस वाले ने भी हॉर्न बजाया था, फिर भी उसके बाद बस रॉन्ग साइड से आई थी, एक जगह कम थी ना वहाँ पर चलो बच गए और जान आ गई, नहीं तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैंने कहा आज काम लगभग लगभग हो गया आज। और अभी थोड़ा आधे रास्ते में रुका हूँ और मौसम दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ का मौसम दिखाता हूँ आपको। यहाँ मौसम इतना प्यारा है कि धूप यहाँ अभी कम खिली हुई है बिल्कुल, और जब प्लेन्स में जब गर्म होता है तो यहाँ पहाड़ों में ठंडा होता है, जितना गर्म होगा प्लेन्स में उतना पहाड़ों में ठंडा होता है। देख रहे हैं आप, उधर कोहरा लगा हुआ है उस साइड, और ये देखो आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और ऊपर देखो हरियाली। तो मैं अभी लंच डाउन पहुंच चुका हूं, यह यहां पे लंच डाउन छावनी में आपका स्वागत है। तो पहुंच गए हम लंच डाउन, तो बस मेरा ऑफिस आने वाला है।
उसके बाद काम निपटाया फिर वापसी। तो चलो मिलते हैं बाद में। लंचडाउन का मौसम देख रहे हैं, क्या कोहरा लगा हुआ है। इसे धुंध भी कहते हैं, वाइट फॉग भी कहते हैं। अब मैं वापसी घर की तरफ जा रहा हूँ, तो अब सीधे चलते हैं घर की तरफ और आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे करके जो व्हाइट फॉग आ रहा है, ये देखिए कोहरा। और ये मौसम देखो, इतना ठंडा मौसम है कि कोटद्वार से अगर हम यहाँ आए, कोटद्वार में जितनी गर्मी होगी, प्लेन्स में जितनी गर्मी होती है, उतना पहाड़ों में ठंडा होता है। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी घर पहुंच गया हूँ मैं, और ये देखो चिजी लाया, चिजी रे झपट मार रहे हैं, देखो बच्चे, दोनों बच्चे। ये देखो क्या है, क्या लेके आए? रोटी। चलो 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 ले जाओ, चलो चलो अभी पी ले। हाँ चलो, अब बाद में, अभी रखो, चलो चलो रखो अभी चलो। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच गया हूँ, तो आज के इतना काफ़ी है। तो चलो ओके बाय।